तो शायद अभी मैं जहाँ तक बढ़ाऊँ मैं बढ़ ही नहीं पाता। डरता तो ना मैं चुनाव अकेला लड़ता, डरता तो ना मैं नीतीश कुमार जी के खिलाफ आवाज़ उठाता, डरता। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। सबसे पहले हेडलाइंस बिहार की तरफ से तमाम दर्शकों को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना। बता दें कि बिहार बाढ़ जैसी आपदाओं के बीच बिहार के लोग झेल रहे हैं, और इस वजह बता दें कि आज चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के दौरे पर निकल गए हैं, लेकिन तस्वीर दिखाएंगे। राघोपुर जो दियरा है वहाँ के लिए निकले हैं, नाव पर सवार हैं, तमाम जो सामग्री है, राहत सामग्री है, खाने पीने के लेकर वो लेकर निकले हैं नाव पे। यहाँ के पूर्व प्रत्याशी भी हैं इस वक्त साथ में, और तमाम जो अपने एनजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ चिराग पासवान निकल चुके हैं। लोजपा अपने तमाम नेता कार्यकर्ताओं के साथ चिराग पासवान निकल गए हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए। इस वक्त चिराग पासवान अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ तस्वीर देख रहे हैं नाव पर के राघोपुर दियारा के लिए चिराग पासवान निकल गए हैं। तमाम जो राह के सामग्री हैं वो सभी चीज़ लेकर चिराग पासवान अपने कार्यकर्ताओं के साथ निकले हुए हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। बिहार, सबसे पहले तो 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई हो आपको। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने जा रहे हैं, क्या कहें? देखिए, ये विडम्बना है हमारे प्रदेश की कि हर साल हमारे प्रदेश में बाढ़ आती है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हर साल ऐसे ही हवाई निरीक्षण करते हैं, पर जो तैयारियां की जानी चाहिए, पहले तो बाढ़ आती ही क्यों है भैया? हर साल तटबंध बनते हैं, तटबंध के लिए आप हर साल एक बड़ी राशि राज्य सरकार आवंटित करती है, बट उसके बाद भी अगर हर साल तटबंध टूटते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। गुणवत्ता तटबंध की नहीं सही है, तभी ना कटाव हो रहा है, गाँव में पानी जा रहा है, घरों में पानी जा रहा है। तो पहले तो वो तैयारी मुस्तैद करें, सुनिश्चित करें कि तटबंध ऐसे बने जो कि टूटे नहीं, ऊपर से उसके बाद राहत सामग्री कम से कम भिजवाएं। कितने ऐसे पंचायतें हैं, गांव हैं जहां से लोगों का फ़ोन आ रहा है कि उनके पास खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, उनके पास शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो इन तमाम सुविधाओं को आज जब हम लोग यहाँ राघोपुर हैं, मेरी जानकारी में शायद अभी तक इसको बाढ़ प्रभावित घोषित तो नहीं किया गया, नहीं किया गया ना। तो अभी तक, तो जब तक आप घोषित नहीं करेंगे तब तक आप कैसे सुविधाएं पहुंचाएंगे वहां पर? और ये हर साल की परिस्थिति बनी हुई है, तो इसमें पूरी तरीके से राज्य सरकार की ये नाकामी दिखती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की उदासीनता दिखती है इसको देखकर। क्या लगता है, लोग भागकर शहर की ओर भाग रहे हैं, चिराग पासवान को डर नहीं लगता? इतनी बड़ी नदी है, नाव पे सवार होकर जा रहे हैं। देखिए, मैं तो आया ही सीख ली हूँ, अगर डरता तो शायद अभी मैं जहाँ तक बढ़ाऊँ मैं बढ़ ही नहीं पाता। डरता तो ना मैं चुनाव अकेला लड़ता, डरता तो ना मैं नीतीश कुमार जी के खिलाफ आवाज़ उठाता, डरता तो ना मैं अपने मुद्दों को इतनी प्रमुखता से जनता के सामने रखता। शेर का बेटा हूँ, बार बार कहता हूँ, डरता नहीं हूँ, बट हाँ, अगर इस परिस्थिति में अगर मेरे बाकी बिहारी रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकता, या मैं उनसे मिलने क्यों नहीं जा सकता इस परिस्थिति में? उनकी सुविधाओं के लिए ही मैं आया हूँ यहाँ पर, और उसको जब तक मैं खुद अनुभव नहीं करूँगा तब तक उनकी बात को उतनी मजबूती से नहीं उठा पाऊंगा जितनी मजबूती से मैं उठाना चाहूँगा। आपदा में जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं, आपको जानकारियां मिली होगी क्षेत्र के बारे में, क्या वो फैसिलिटी जनता तक पहुँच पा रही है राघोपुर में? देखिए, अभी हम लोग जाएंगे ही, लोगों से बात करेंगे तो वो और बेहतर बताएंगे, पर जितने फ़ोन कॉल्स मुझे आते हैं या जो लोग मुझे मिलकर अपनी समस्या बताते हैं उनके हिसाब से तो खैर ज़रूरत नाकाफ़ी है। जितनी समस्या है उस हिसाब से सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। बिल्कुल, तो ये तस्वीर आप देख लीजिए एक बार, ये नाव पर जो तमाम जो बोरे आपको दिखाई दे रहे हैं ये खाने पीने की सामग्री है जो चिराग पासवान की तरफ से राघोपुर की जनता के लिए जा रही है। तो चलिए, और भी हम आपको अपडेट्स देंगे, लगातार चिराग पासवान लोगों से मिलने के लिए जा रहे हैं, उनके जन समस्याओं को लेकर मिलेंगे, किस प्रकार आपदा में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तमाम मसलों को लेकर चिराग पासवान मददगार बनकर राघोपुर पहुँच रहे हैं। देखते रहे हेडलाइंस बिहार, नमस्कार।